ये फ्लाईओवर दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, अभी हम यूपी में यहाँ से राइट मुड़ते ही दिल्ली आ जाएगा। ये बॉर्डर और अब हम टेक्निकली एंटर कर चुके हैं दिल्ली में। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और हम दोनों निकल चुके हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। वैसे तो अगर आप दिल्ली को इंडिया के मैप पे देखो तो वो एक छोटा सा डॉट दिखती है, लेकिन वैसे दिल्ली काफी बड़ी है। हम एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं दिल्ली के और हमें लगना चाहिए 1.5 से 2 घंटा। टेक्निकली हम 3 स्टेट्स कवर करेंगे। यूपी से हम निकले हैं, दिल्ली हम अभी एंटर करें हैं और यहाँ से हमें हरियाणा घुसना है, हमें जाना है गुड़गांव। तो आई थिंक टोटल जर्नी होगी तकरीबन 50-55 किलोमीटर की, 1.5 घंटा मिनिमम लगना चाहिए जो जेनरिक लगता है। और मेरे घर से निकलते ही आता है एक्सप्रेसवे, कम से कम 12-15 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। देख के मैं इमेजिन नहीं कर पाता क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पर सिर्फ 2 लेन की रोड होती थी। हमेशा यहाँ ट्रैफिक कंजेस्टेड रहता था, धीरे धीरे चलता था। पता नहीं सरकार ने कैसी इंजीनियरिंग दिखाई है, उस 2 लेन की रोड को एक्सपैंड करके यहाँ 5 लेन का ये फ्रीवे बनाया है। कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने घर से स्ट्रेट सेंट्रल दिल्ली पहुंच सकता हूँ विदाउट एनी रेड लाइट। और हम जहाँ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं गुड़गांव में इनकी सिस्टर के यहाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। अभी उसकी और उसके हस्बैंड दोनों की जॉब्स शिफ्ट हुई हैं गुड़गांव में, सो दे हैव मूव्ड प्लेसेस। वहाँ पर उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया है और आज उन दोनों ने हमको बुलाया है अपने अपार्टमेंट में, तो हम पहली बार जाके उनका घर देखेंगे। मुझे आ रही थी बहुत ज्यादा सुस्ती, मेरा ड्राइविंग का बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ बैठ के एक और फायदा होता है कि मैं एक तो आराम कर पाता हूँ, दूसरा मैं शूट भी कर पाता हूँ। गाड़ी चलाते हुए डेंजरस होता है, और वैसे भी शी इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर। आपके अपनी ड्राइविंग के बारे में आपके क्या ख्याल है? तो कभी डाउट था ही नहीं अपनी ड्राइविंग। मैंने भी कभी डाउट नहीं किया, वेरी ब्यूटीफुल परफेक्ट ड्राइवर, इतनी सेफ है, इतनी सेफ है। हंस के रहे हो? मुझे आई फील सो सेफ विद यू। घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। नो ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। ये डिफेंस एरिया है भाई, इससे दूर रहना। पर ऐसा साइन मैंने पहली बार देखा है, गोली मार देने वाला, एज इफ यू आर ऑन द बॉर्डर। तो दिल्ली एंटर करके हमने सेंट्रल दिल्ली क्रॉस किया है और अब है दिल्ली टू गुड़गांव हाईवे पे। सो टेक्निकली नाउ वी आर लीविंग दिल्ली एंड एंटरिंग हरियाणा। सो ये तीसरी स्टेट है जो हम एंटर करेंगे। ये फन पार्ट है दिल्ली का, दिल्ली के साथ साथ एडजॉइनिंग इतने सारे सबर्ब्स हैं, इतनी सारी स्टेट्स के छोटे छोटे एरियाज लगते हैं जहाँ लोग रहते हैं और दिल्ली में काम करते हैं या गुड़गांव में काम करते हैं। गुड़गांव भी बहुत बड़ा बेस है जॉब्स के लिए। तो दिल्ली के आसपास गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है। देखा नहीं, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर 2 मिनट स्लोअर, सॉरी रास्ते की कंफ्यूजन। तो हाँ, बात हो रही थी दिल्ली की। तो वैली वैसे देखने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, हमेशा भीड़। ये है गुड़गांव की स्काईलाइन, यहाँ पर हैं सारे मेन ऑफिसेस, सारी बड़ी कॉरपोरेशंस के ऑफिसेस आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे आईटी कंपनीज हो, चाहे कंसल्टेंट्स हो। मैंने सुबह से प्री वर्कआउट मील ली है, ब्रेकफास्ट किया है, फिर लंच किया है, तो मेरी कैलोरीज थोड़ा सा कम चल रही है। और जब आपके पास स्पेयर कैलोरीज होती है तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं चीटिंग। तो इसीलिए मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी सी चीटिंग। हम दोनों खाएंगे आइसक्रीम, लेकिन क्योंकि हम हाईवे पे हैं, हमें आइसक्रीम वाला मिल नहीं रहा है। इसको तो बहुत फोर्स करना पड़ता है, बेचारी चीटिंग करती ही नहीं है। आज ये आइसक्रीम खाने को मानी है ना इशिता? तो जब जो चीज चाहिए होती है ना, तब वो चीज नहीं मिलती है। अगर आप वैसे घर से बाहर निकलो तो आपको 10-20-50 आइसक्रीम वाले खड़े हुए आराम से हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन आज हमें ऑनेस्टली पूरे रास्ते कोई आइसक्रीम वाला नहीं दिखा। और अभी हम आए हैं निर्वाणा कोर्टयार्ड में, क्योंकि हम उनके घर पहली बार जा रहे हैं, नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं। तो शिष्टाचार तमीज़ ये कहती है कि हम खाली हाथ ना जाएं, कुछ लेके जाएं। तो इसलिए आई थिंक विल पिकअप सम केक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अगर यहाँ आइसक्रीम मिल गई तो खाली है। और यहाँ पर है मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा, तो बॉब्स के नाम से एक कॉफ़ी शॉप है और वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी ज़रूर पिक करनी है। तो इसको मिल गया निर्मला, ये जा रही है आइसक्रीम खाने, मेरे को मिल गया मेरा बॉब्स, मैं जाऊंगा कॉफ़ी पीने। मेरा आइसक्रीम खाना कैंसिल, आई थिंक यूनिवर्स भी कंस्पायर करता है कि आप फालतू की कैलोरीज गंदे सोर्सेज से मत लो। We have
एंटर द सोसाइटी और इस ट्रैक्टर के पीछे धीरे धीरे चल रहे टावर 3 एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस सोसाइटी. आई थिंक यहाँ पर हजारों फ्लैट होंगे. मेरे पीछे आपको सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी. हमें जाना है इस टावर में, टावर 3. धूप धूप बहुत जबरदस्त है. आई डोंट नो कितने टावर्स हैं यहाँ पर, बट इट्स वेरी नाइसली मेड, नाइसली केप्ट. यहाँ पर मुझे एक स्विमिंग पूल दिखा है, लॉन टेनिस कोर्ट दिखा है. इट्स एज मॉडर्न एज इट कैन बी. अभी बज रहे हैं शाम के 7:30. अंधेरा होने ही वाला है और मेरा कैमरा मरने ही वाला है, लेकिन मेरी डाइट आज काफ़ी ख़राब हो गई है. घर के अंदर का मैंने शूट नहीं किया. कभी भी किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं करनी चाहिए, तो मैं किसी का पर्सनल स्पेस शूट नहीं करना चाहता था. अ पॉइंट यह है कि प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं हो पाया, तो फैमिली उतरी है नीचे एक वॉक के लिए. मैंने मंगाया है अपने लिए जोमेटो से एक चिकन सैंडविच और मैं चुपचाप इसे कार में बैठ के खाऊंगा. Not bad. I think chicken काफी दिख रहा है मुझे. Veggies भी हैं, bread भी, whole grain wheat है. I think it was not a bad deal. मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और ऐसी family setting में थोड़ी शर्म आती है बोलने में कि मेरे लिए अलग से खाना बना दो. इसलिए मैं आराम से अपना ये Zomato पे मंगाया, चुपचाप entry gate पे जाके इसे लेके आया और अब बैठ के खाऊंगा. Caters Point इस जगह का नाम है. Sandwich अच्छा है, sandwich बुरा नहीं है. Tasty, fresh, good food. Thumbs up. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर संडे मॉर्निंग. अभी बज रहे हैं सुबह के 8. मैं अपने यूजुअल टाइम से काफ़ी लेट हूँ आज उठने में, और मुझे लगता है कि जो अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह का टाइम होता है, चाहे आप किसी भी टाइम उठते हो, ये डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा. ये एक तरीके से फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है आपके पूरे दिन की. आप सुबह उठ के क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं. तो अगर इसे मैं आज के स्पेसिफिक मॉर्निंग से रिलेट करूँ, जब मैं उठ रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ बेड, मेरे दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आए थे जो मुझे रोक रहे थे उठने से, जो मुझे रोक रहे थे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ. मैं सोच रहा था कि मैं कल रात तो काफ़ी लेट आया था, तो मैं थका हुआ हूँ, और मेरी कल पूरे दिन में डाइट अच्छी नहीं रही, मेरी कैलोरीज कम रही, मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, तो मेरी न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है. दूसरा, मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, तो अगर मैं 7 बजे उठता हूँ, उसके बाद 8 बजे जिम जाता हूँ, तो मैं वापस आऊँगा 10 बजे, मेरा आधा दिन वर्कआउट में ही निकल जाएगा. तो मतलब ये है कि बहुत सारे ख्याल आए थे जिम ना जाने के, और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैं कंपैरेटिवली एक ट्रेंड ब्रेन कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जिम जाता हूँ, लेकिन ये ख्याल फिर भी मेरे दिमाग में आते हैं. और मुझे लगता है टाइम अपने आप को कन्विंस करने में, 1-2 मिनट मुझे लगे अपने आप को कन्विंस करने में कि तो क्या हो गया कि मेरी डाइट ठीक नहीं है, तो क्या हो गया कि आज मैं लेट उठ रहा हूँ. जिम जाने का कोई सही समय नहीं होता. जिम जाने के लिए आप अपनी डाइट को आगे जाके इजिली कंपनसेट कर सकते हैं. सो ऑनेस्टली टुक मी सम टाइम, फाइनली मैंने अपने आप को कन्विंस किया. मैं उठा, मैंने एक प्री वर्कआउट मील लिया है अच्छा सा, उसके बाद मैंने कॉफी पी है. मैं तकरीबन 12-12:30 बजे सोया था, 7 बजे उठा हूँ, तो 6.5 घंटे की नींद मेरे को ऑपरेट करने के लिए पूरी होती है. हम फिर भी पूरी जान पूरी मेहनत के साथ जिम जाके वर्कआउट करेंगे. आज मुझे लगाना है एक पुल बी वर्कआउट, जिसमें मैं मॉडरेट वेट के साथ अपना पूरा पुल वर्कआउट लगाऊंगा. फोकस विल बी ऑन वॉल्यूम, फोकस विल बी ऑन गेटिंग अ गुड पंप. तो चलिए मैं आपको जिम लेके चलता हूँ और साथ में मिलके लगाते हैं एक अच्छा सा पुल वर्कआउट. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mat, like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit. बहुत बढ़िया वर्कआउट, 10 out of 10.
बढ़िया पंप प्रोग्रेशन भी लगा पाया। मैं आज गया था स्कूटी पे, गाड़ी में नहीं, लेकिन मैंने स्कूटी रास्ते में रोकी है। मेरे दिमाग में एक बात आई थी, एक ऐसी बात हुई जिम में जो कि मैं घर जाके भी कर सकता था, लेकिन मेरे में सबर नहीं है, मैं अभी करना चाहता हूँ आपके साथ। और आप मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो एक जनाब, एक शख्स मेरे पास जिम में आए, वो मेरे ख्याल से तकरीबन जिम एक डेढ़ महीने से आ रहे हैं रेगुलरली। उन्होंने शायद मेरा चैनल देखा, उस वजह से वो अपने बेसिक फिटनेस क्वेश्चंस लेके मेरे पास आए। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक क्वेश्चन, वो सीरियसली बेसिक ही थे। उनको किसी ने वे प्रोटीन रिकमेंड किया है जिम में, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसका फंक्शन क्या है। किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो डाइट में कितना प्रोटीन लेते हैं, क्या वो वेज हैं, क्या वो नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या उनकी डाइट प्रेफरेंसेस हैं, क्या वो डाइट से प्रोटीन बढ़ा सकते हैं, और सीधा उन्हें एक सप्लीमेंट रिकमेंड कर दिया गया। फिर उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, इतने बेसिक, जिसमें वो डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे कि कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है, आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होती है। वो थोड़े से ओवर वेट है तो उन्हें कार्डियो पहले करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनकी मसल में पेन क्यों होता है वर्कआउट करने के अगले दिन। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितने बेसिक क्वेश्चन है, और ये उस इंसान से आ रहे हैं जो 6 हफ्ते से जिम आ रहा है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जिम्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या जो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता है या नहीं अफोर्ड कर पाता है, उससे बेसिक गाइडेंस भी नहीं मिलनी चाहिए जिम में? दिस इज समथिंग दैट रियली डिस्टर्ब्स मी। जिम एक कमर्शियल वेंचर होता है, आपको पैसे कमाने हैं, मुझे पता है। पर्सनल ट्रेनिंग काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर कोई जिम ज्वाइन कर रहा है, आप उसे बेसिक गाइडेंस तो प्लीज देंगे ना। हर इंसान तो जिम ज्वाइन करता है, उसे थोड़ा डाइट का ज्ञान मिलना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइजेस का ज्ञान मिलना चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल मिलना चाहिए, कुछ डिटेल्स पता करनी चाहिए कि उनकी डाइट प्रेफरेंस क्या है, वो वेज है नॉन वेज है, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है। और बेसिक गाइडेंस के बाद अगर वॉलंटेरिली कोई चाहता है कि मुझे स्टेप अप करनी है अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निक, अपना न्यूट्रिशन, देन दे आर मोस्ट वेलकम टू पे एंड अवेल दैट सर्विस। अब मुझे क्या लगता है होगा क्या, जैसे ये शख्स थे, अब इन्हें ज्यादा गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, इन्हें रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, या इनको सोरनेस होगी, इन्हें लगेगा कोई इंजरी ना हो जाए, और ये कुछ टाइम के बाद डीमोटिवेट होके जिम छोड़ देंगे। दिस रियली हर्ट्स मी, बट पीपल डिजर्व टू गेट बेसिक नॉलेज अबाउट फिटनेस। जिम ज्वाइन करना सिर्फ एक्सेस मिलना नहीं होता है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, दे डिजर्व मच मोर, दे डिजर्व गाइडेंस, डायरेक्शन। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, पर आज मुझे इस बात ने डिस्टर्ब किया और मैं रुक नहीं पाया, घर जाने तक वेट नहीं कर पाया, रास्ते में ही ये स्कूटी रोक के इस पे बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए जी, शावर वगैरह हो गया, और जो मैंने आपसे बात करी थी ना जिम के बारे में, जो किस्सा हुआ था, आई थिंक मैं ओवर थिंक करता हूँ, आई थिंक मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता हूँ ऐसे केसेस में, क्योंकि मैंने फिटनेस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन देखा है पिछले 15 सालों में। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, लेकिन साथ ही साथ कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि काफ़ी नेगेटिव बात है। इंसान इंसान की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। आप चार्ज कीजिए स्पेशलाइजेशन का, लेकिन बेसिक चीजों के लिए आपको फ्री में कंसल्टेशन देनी चाहिए लोगों को, एनकरेज करना चाहिए उन्हें। इट मेक्स मी फील रियली सैड। पहले बहुत अच्छे लोग होते थे, मैं देखता था जिम्स में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते थे, अभी भी हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। सबके टारगेट्स हैं, सबको मंथली रेवेन्यू करना है, मैं समझता हूँ, मैं भी सेल्स में हूँ, मुझे भी करना है, लेकिन जब बात किसी की हेल्थ की होती है और मोटिवेशन की होती है ना, तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए। बस अब मैं आपको इसके बाद इस टॉपिक पे बोर नहीं करूंगा।